डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन बेटा। आज बेटा आपके सामने एक फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट छोटी-छोटी मिस्टेक्स जो है वो बच्चे कर देते हैं जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अ कार इज रिगार्डेड बाई द अप्लाइंग ब्रेक्स एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट इज़ फाइनली स्टॉप्ड इन 10 सेकेंड एंड फाइंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी। तो इसके अंदर बेटा क्या कह रहा है कि जो कार है वो ब्रेक अप्लाई किए जा रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन वो रिटार्ड कर रहा है यहाँ पे, उसका जो एक्सेलरेशन है वो रिटार्ड हो गया यहाँ पे ब्रेक लगाने से, जो कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखते हैं, ठीक है। और वो कह रहा है फाइनली गाड़ी जो है वो आपकी रुक चुकी है, कितने टाइम के बाद में? 10 सेकेंड के बाद में, ठीक है। कार जो रुक गई, हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक एक्सेलरेशन। इसमें सॉल्यूशन करेंगे तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन, बट एक्सेलरेशन किस केस में दे रखा है? वो यहाँ पे रिटार्डेड दे रखा है बेटा। रिटार्डेड अगर ना भी दे तो आपने ये देखा कि ब्रेक लगा रखा है यहाँ पे, और ब्रेक है तो वो रिटार्ड कर जाता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेड को शो करता है, जहाँ रिटार्डेड पर आ जाए तो वो क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास में? नेगेटिव 2 मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ऊपर गया, इसको हम ये भी लिख सकते हैं। सेकेंड थिंग क्या दे रखी है बेटा? उसने टाइम पे कर कितना दिया? टाइम दिया है यहाँ पे 10 सेकेंड। और हमें ये कह रहा है कि फाइंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी निकालो इसकी। इनिशियल वेलोसिटी को हम कैसे लिखते हैं? यू से, ठीक है। ये हमें निकालनी है। अब हमारे पास माइंड में ये चीज़ आनी चाहिए कि हमने जो पॉइंट्स हैं उनको पहले लिख लिया है। यूनिट्स देख लीजिए इसके अंदर, अगर यूनिट में कोई चेंज है तो पहले उसको सॉल्व करो। तो यूनिट में कोई चेंज नहीं है, सेकेंड है, अभी सेकेंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट चीज़ है हमें इसका फॉर्मूला बुक करना, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला एक्सेलरेशन का आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है हमारा? एक्सेलरेशन कहलाता है। एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है हमारा? एक्सेलरेशन, ठीक है। ये फॉर्मूला हम इसके अंदर पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले ये देखें कि कार जब चली तो उसने उसको क्या किया? ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाने पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई यहाँ पे बेटा? जीरो हो गई। जब ब्रेक लगाते हैं तो वो स्टॉप हो गई ना फाइनली कार जो है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे? जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो गई है इसके अंदर? जीरो हो गई है। तो हम यहाँ पे वी की वैल्यू क्या लेके चलेंगे? वेलोसिटी जो है फाइनल वेलोसिटी को हम वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके ऊपर ये वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए हमने उसके ऊपर एरो लगाया, ये जीरो है हमारे पास। तो मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, इट इज इनिशियल वेलोसिटी एंड दैट इज फाइनल वेलोसिटी। फॉर्मूले में पुट कीजिए इसको, ए वैल्यू देखिए यहाँ पे, ए आप वैल्यू पुट कीजिए इसके अंदर, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बी जो कि जीरो हो गई, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है? जीरो है ना, ब्रेक अप्लाई करने के ऊपर जीरो है, तो जीरो लिख दिया हमने यहाँ पे। -u फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम टेकन, टाइम कितना दिया? 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड लिखा हुआ है। अब देखिए क्या बना हमारा, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जीरो में से यू गया, यू नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, अपॉन 10 सेकेंड। ये 10 इससे क्या हो जाएगा इधर आपको? मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे बंद करके, ठीक है। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 सेकेंड इज यू। सेकेंड से सेकेंड स्क्वायर की पावर एक कैंसिल हो जाएगी, तो ये हमारे पास बचेगा 2 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में सेकेंड। 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, ये हुआ 10 20। तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है इसके अंदर? 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देख भी रहे हो इसके अंदर, स्क्रीन पे नीचे दिखाई नहीं दिया, मैं थोड़ा स्क्रीन पर दिखाती हूँ इसको, ये देखिए। इसी तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या चीज़ देखनी होती है इसके अंदर? जो 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 क्वांटिटीज़ दे रखी हैं फिजिकल क्वांटिटीज़, उनको नोट डाउन करना होता है। कोई गलत, कोई जो क्वांटिटी है वो कहीं हमसे स्किप तो नहीं हो गई है, उन चीज़ों को सबसे पहले हमें चेकआउट करना पड़ता है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको फिर अगले वीडियो के अंदर मिलेगा।